वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद आरएस। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एआई टेक्नोलॉजी से भी बढ़िया सेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया शेयर लेके आया हूं। अगर इस स्टॉक की मैं एक साल की रिटर्न की बात ही करूं तो दोस्तों, इस स्टॉक ने 150% की रिटर्न पिछले एक साल में दी है और 237 रुपए के नियर अबाउट पे इस स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है। फ्यूचर में जे स्टॉक धमाल मचाने वाला है, क्योंकि जे रीजनरेटिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज है। फूड पैकेजिंग में जो रीजनरेट करती है वो प्रोडक्ट जनरेट करती है और मैकडॉनल्ड के साथ इसका सीधा कॉन्ट्रैक्ट है। सो आगे बात करेंगे, इस स्टॉक को पूरा एनालाइज करेंगे कि कैसा रहेगा स्टॉक का भविष्य। अगर पिछले एक साल की रिटर्न के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की बात भी करें तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है। उसी के साथ साथ अगर आप पिछले एक साल पहले का इस स्टॉक का प्राइस देखें तो 100 पैसे भी कम का स्टॉक पर प्राइस चल रहा था, जो है 240 के नियर अबाउट तक जा चुका है और उसी के साथ साथ 300 के ऊपर का हाई बना चुका है इस स्टॉक पिछले 2-3 महीने पहले। आगे बात करूंगा इस स्टॉक की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके बारे में। आज इस स्टॉक में जब मैंने जो वीडियो के लिए जनरेट किया था तो 62% की बाय इस स्टॉक में हो रही थी। यही सबसे मेन वजह थी कि आपके लिए ये स्टॉक लेकर आऊं और इस स्टॉक में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। आगे बात करेंगे इस स्टॉक की मार्केट कैपेसिटी की। सो स्टॉक की मार्केट कैपेसिटी की बात करें तो टोटल कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 935 करोड़ की और स्टॉक की पीई की बात करें तो 16.7 है और इंडस्ट्री की पीई की बात करें तो 6.5 बन रहा है। इंडस्ट्री की पीई इस कंपनी की या इस सेक्टर की कम जरूर चल रही है, मगर जे स्टॉक आने वाले फ्यूचर में धमाल मचा सकती है, क्योंकि जे सबसे मेन काम होंगे इस स्टॉक में जो हमारा फ्यूचर है। उसी के साथ आरओसी की बात करें तो 28 और आरओई की बात करें तो 27 के नियर अबाउट पे चल रही है। प्राइस ऑफ अर्निंग की बात करें 16.7 और डेप्थ की बात करें स्टॉक पे तो 0.43 की डेप्थ चल रही है। इसी के साथ फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 10 है। स्टॉक के स्प्लिट होने के चांस हो सकते हैं भाई, कभी भी ये कंपनी स्टॉक को स्प्लिट कर सकती है। उसी के साथ डिविडेंड की बात करें तो 1.01% का डिविडेंड कंपनी ने लास्ट टाइम पे दिया था। मगर इसी के साथ साथ जो बुरी बातें हैं वो भी साथ में बतानी जरूरी है। प्लेजर ऑफ परसेंटेज 85 की चल रही है भाई, जे इस कंपनी में बहुत ही बुरी बात कह सकते हैं कि प्लेजर ऑफ परसेंटेज काफी हाई है इस स्टॉक की। इसीलिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो और अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके हिसाब से ही करिए। स्टॉक अच्छा है, जे डाउट नहीं है कि स्टॉक बुरा है, मगर इसके साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं, फाइनेंशियली मैनेजमेंट होती है। उसी के साथ साथ आगे बात करिए इस कंपनी काम क्या करती है। सो दोस्तों, बेसिकली जे कंपनी काम करती है रीजनरेटिंग पैकेजिंग मटेरियल फूड के लिए, फूड कैरी पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और किस किस कंपनी में करती है, मैकडॉनल्ड टेक अवे को करती है, गुड ग्रॉसरी बैग्स, बेकरी बैग्स, ई कॉमर्स बैग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी के साथ साथ ये कंपनी माइक्रोवेव फ्रीजर ओनर स्पेशली पेपर सभी को जनरेट करती है, क्लासिकल रिलीज बेस एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कि जो हमारी फूड पैकेजिंग के लिए जितने भी मटीरियल्स आते हैं, जो पैकेज आते हैं, जो बैग आते हैं, वो सभी जो कंपनी रीजनरेट करती है। इसी के साथ साथ बात करें अगर कंपनी की फाइनेंशियली की कैसा रहेगा तो पिछले 5 क्वार्टर का अगर आप प्रॉफिट देखें तो बढ़िया प्रॉफिट जिसे हम कह सकते हैं। क्वार्टर का प्रॉफिट अप डाउन हल्का फुल्का होता है, मगर 100 से हर बार बढ़ रहा है, 100 करोड़ से हर बार ही हर क्वार्टर का प्रॉफिट सॉरी रेवन्यू ज़्यादा है। इसी के साथ साथ बात करेंगे कंपनी की नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ साल वाइज है 2022 में जो 165 पे था वो ही आज 2023 में 206 के नियर अबाउट पे जा चुका है। मतलब कि कंपनी तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ बात करें अगर प्रॉफिट की तो पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है और तकरीबन 10 करोड़ की प्रॉफिट हर साल कंपनी की हर क्वार्टर में एवरेज आ रही है। और आगे बात करेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूं तो 47% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्लेजर परसेंटेज आप देख सकते हैं 85 के नियर अबाउट है, बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। FIIS ने भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया 0.54 और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 51.66% की होल्डिंग पब्लिक सेक्टर के पास भी है। सो दोस्तों, अच्छा स्टॉक है, मगर उसी के साथ साथ अपनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अच्छी बातें तो है ही है मगर उसके साथ साथ कुछ बुरी बातें भी है। सो लास्ट में, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड खुद की सर्च जरूर करें। थैंक यू सो मच।